से यार, बेल आइकन को भी प्रेस करो और शेयर करो, जितने भी लोग मेरे को जानते हैं उन लोग के साथ शेयर करो, और गाइस कमेंट करो, कमेंट करो नीचे, तो अपना रीच बढ़ेगा क्या। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आज हम लोग बनाने वाले हैं पालक पनीर। तो क्या आपकी बीवी खाना नहीं खिलाती आपको? क्या आप लेट आने पे बोलती है कि सो जा चुपचाप, खाना नहीं मिलेगा? तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। थोड़ा सा टफ है, आप लोग बना नहीं पाओगे, पर फिर भी देखने में क्या रहता है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे पालक पनीर को, यहाँ पे मैंने भिगा के रखा हुआ है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि वो डीप फ्रीज करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग अपना हाइजीन केयर करेंगे भाई, तो हम लोग थोड़ा सा सैनिटाइजर यूज़ कर लेंगे। और हम लोग ने यहाँ पे पालक को थोड़ा बॉईल करने के लिए रखा है। तो जैसे ही ये पालक बॉईल हो जाएगा, हम लोग इसको मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे, तो इसकी एक ग्रेवी बन जाएगी। हो रहा है, तब तक हम लोग सब वेजिटेबल्स कट करके लेंगे। तो हम लोग इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करने वाले हैं। मैं ये सेकंड टाइम बना रहा हूँ, एक बार और मैंने बनाया हुआ है अपने बहन के घर पे, पर ठीक है, आज थोड़ा क्वांटिटी भी ज़्यादा बनाने वाला हूँ। सो पहले हम लोग ऑनियंस को थोड़ा छोटा कर देंगे। लोग के लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूंगा, रोना मत तुम लोग। वीडियो एंड तक इतना सालों सब्सक्राइब करो यार चैनल को, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो वीडियो को, तो कैसे मैं वीडियो बनाऊंगा यार। तो हम लोग अभी ऑनियंस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ पे मैंने साइड में गार्लिक और अदरक को भी काट के रखा हुआ है, और मेरी आँख बहुत गंदी वाली जल रही है, तो भाई सब मर जाऊंगा मैं तो। एक तो यहाँ पे फैन भी नहीं है भाई, ये रूम की फैन भी खराब होके पड़ी है। तो ये वीडियो बहुत गर्मी में शूट कर रहा हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो बहुत रोना आ रहा है भाई मेरे को तो। ऑनियंस आप कैसे भी काट सकते हो, मैं थोड़े से बड़े काट रहा हूँ, क्योंकि वो बाद में जब मैं कुक करूंगा तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो वो पता नहीं चलेगा ग्रेवी के अंदर। बाकी सबको अपने अपने हिसाब से अपनी ऑनियन काट सकते हैं, बैचलर हो तो तुम लोग भाई मेरे ऐसा सीख लो खाना बनाना, बाकी सबको तकलीफ हो सकती है। वाला नहीं है तो हम लोग का सामग्री तो रेडी हो गया है। अभी हम लोग को चाहिए है यही पैन लगेगा अपने को, तब तक अपन मिक्सर रेडी करते हैं। तो भाई साहब मिक्सर रेडी है। स्टार करेंगे, खाली इनको सॉफ्ट करना है।
ये बॉईल होएगा तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे जितने भी इसके पीसीज हैं। इसको 2 मिनट और करेंगे, तब तक अपना मिक्सर रेडी करेंगे। कुक भी अपने को यही पैन में करना है, तो थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है, तो कुक भी बड़े पैन में करेंगे अपन। तो ये बॉईल हो गया, अब इसको बंद करके इसका पानी निकाल लेंगे। हम लोग ने ये यूज करके इसका सारा पानी निकाल लिया है, अभी हम लोग इसको ऐड कर देंगे मिक्सर के अंदर ग्रेवी बनाने के लिए। फटाफट लगा देंगे इसके ऊपर और ये चालू कर देंगे। ओ अच्छा, तो हम लोग इसको दिखने में बहुत कम लग रही है, बट कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इसको बनाएंगे बटर के अंदर, काफी टाइम हो गया मैंने बटर नहीं खाया है, तो हम लोग अमूल बटर यूज करेंगे। यस, तो कभी कभी बटर चलता है, और घी अगर होगा तो घी भी अच्छा रहता है, क्योंकि घी में सब्जी बनाते हैं तो मजा ही आ जाता है। चलो घी मिल गया, बटर रख देता हूँ साइड में, थोड़ा सा बटर ऐड कर लीजिए। तो हम लोग ने इसमें थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा घी ऐड किया है, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे। तो ये बटर और घी चले गए अंदर, ब्लास्ट होने वाला है, गैस चालू ही नहीं हुआ था। तो हम इसको प्यूरी को साइड में रख देंगे। अभी हमारा ये बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, हम लोग इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्ची और चिली पाउडर है यहाँ पे अपने पास। थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा बट ठीक है। हल्दी भी ऐड कर ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा ही करेंगे। और मेरी चम्मच और जीरा रह गया, भाई जीरा का डब्बा किधर है? कल तलक तो इधर ही था। हाँ ये, ओ फक भाई साहब, मैंने तो पूरा कैमरा का सेटअप भी पटक दिया है। सो अभी हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, ठीक है।
जीरा जैसे ही तड़कने लगेगा हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। जीरे ने अपना काम कर दिया, ऑनियन डाल देंगे। गैस थोड़ा स्लो कर देंगे नहीं तो जीरा काला हो जाएगा जल्दी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे कलर चेंज होने तक। जैसे ऑनियन पहले थोड़ा सा ऑनियन में सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट मैं ये हिमालय वाले यूज करता हूँ, आप लोग कोई भी कर सकते हो, हिमालयन सॉल्ट है आपके पास तो। सॉल्ट ऑनियन पे ऐड करने से ऑनियन पानी छोड़ देगा और थोड़ा सा गीला रहेगा। ये सॉल्ट थोड़ा सा कम सॉल्टी रहता है बट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब इसे थोड़ा सा फास्ट कर देंगे ताकि ऑनियन फटाफट पकने का चालू हो जाए। इसके बाद हम लोग मसाले ऐड करना चालू करेंगे। टमाटो और मसाले ऐड करना चालू करेंगे। ऑनियन को अब लोग हल्का सा ब्राउन होने देंगे, वो सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा। मिर्ची डाल देता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा मिर्ची काटना भूल गया। ओह बॉय, वीडियो माँ क्या बन कैसे हो गया पता नहीं चला मेरे को यार, बहुत गंदा था ये तो। तो इसके अंदर मैंने अपनी पालक की प्यूरी ऐड कर दिया, पालक की तो पालक को जो हम लोग ने ग्राइंड किया था, और ये कुछ ऐसे दिख रहा है अभी, उसमें दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। इसको हम लोग थोड़ा सा पालक इसके अंदर जो ऐड हुआ है उस पालक को थोड़ा सा पकने देंगे। इसको थोड़ा सा थिक होने देंगे। तो ये जब सब जब पक रहा है तो साथ में ही हम लोग इसमें पनीर भी ऐड कर देंगे। इसको स्लो कर देंगे थोड़ा सा ताकि इसके अंदर जो पनीर है वो भी धीरे धीरे सारे फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे वो पालक पक रहा है वैसे ही पालक के साथ साथ पनीर को भी वो टेस्ट आए। तो स्लो फ्लेम पे गरम करेंगे। मेरे पास ढक्कन नहीं है तो मैं ढकने के लिए इसे यूज करूंगा, शायद ये फिट हो जाए। थोड़ी देर हम लोग इसको छोड़ देंगे 2-5 मिनट, एकदम स्लो फ्लेम पे इसको गर्म करेंगे ताकि सारा जो भी पालक है वो पक जाए, पनीर को उसका फ्लेवर आ जाए।